हाँ जी वीरो की हाल चाल, आई हूँ भाई, सारे बढ़िया होंगे भाई। देखो अगर आपके पास में BS6 गाड़ी है, वो भी स्पेशली महिंद्रा स्कॉर्पियो भाई, जो आप हाथी देख रहे हो इतना बड़ा, और अभी भाई हम रिसेंटली ट्रिप पे गए थे और भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हमें झेलनी पड़ी है। आप देख रहे हो ना DEF DPF, ये जो F नाम की चीज़ है ना भाई, स्पेशली स्कॉर्पियो और BS6 गाड़ी में ज़िंदगी F हो चुकी है इनके चक्कर में भाई। और अभी रिसेंटली भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पहाड़ों पर हम घूमने गए हुए थे और आप देख भी सकते हो भाई पीछे जो नज़ारा आपको दिख रहा है। तो भाई हमारे साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, DPF वाला जो भाई इसका पर्टिकुलर फिल्टर वाला इशू होता है भाई हाईवे पे हमारे साथ में, वो इशू आ गया है और जिसको कि भाई रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आप भी भाई महिंद्रा की गाड़ी, डीजल गाड़ी, BS6 गाड़ी स्पेशली ले घूम रहे हो ना, तो ये दिक्कत भाई आपके साथ भी हो सकती है। तो छोटा सा हमने वीडियो बनाया, कोशिश करी कि भाई आपको ऑनलाइन वाइल्ड ड्राइविंग चीज़ रिजॉल्व करके दिखा दे भाई, सो दैट आपके साथ भी दिक्कत परेशानी फ्यूचर में अगर हो या आने वाली हो या आप झेल चुके हो भाई, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे चीज़ें जो है सॉल्व करनी है। सो भाई एक बार आपको अंदर से भी दिखाता हूँ गाड़ी में, अंदर क्या आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वार्निंग लिख के आती है। तो आपको लिख के आएगा भाई अंदर जब आप जाएंगे, इसमें लिखा होगा रीजनरेशन रिक्वायर्ड, तो रीजन रिक्वायर्ड या रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिखा आता है। तो देखो अभी मैं जैसी चाबी ऑन करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखना अभी इसमें DEF का भी इशू आ रखा है। आप यहाँ पे देखोगे तो अभी आपको वार्निंग आएगी DEF लेवल लो, नो स्टार्ट आफ्टर 1900 किलोमीटर। सो भाई 1900 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। और ये जो अभी यहाँ पे साइन आ रहा है, ये है DEF का साइन। अगर मैं कार स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी DEF का साइन कंटिन्यू आ रहा है इसके अंदर भाई। और आपके ऊपर DPF भी दिखाता हूँ, जब DPF का साइन आएगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो वार्निंग यहाँ पे आएगी रीजनरेशन रिक्वायर्ड, तो ये है भाई नीचे DPF का साइन, ये वाला जो है। तो ये साइन आपकी लाइट में जलेगा भाई, दोबारा से देख लो एक बार, ये वाला साइन जलेगा DPF के लिए और यहाँ पे आपको वार्निंग लिखी आएगी रीजनरेशन रिक्वायर्ड। तो आपको रीजनरेशन, जब आपकी कार DPF का इशू आएगा तो आपको कैसे रीजनरेशन करना है, कैसे रीजन जो करना है, वो प्रोसेस भाई आप एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स सी भाई कैसे हमने भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और स्पेशली पहाड़ों पे किस चीज़ का ध्यान रखना भाई जब आप रीजनरेशन अपनी कार के अंदर कर रहे हैं। तो लेट्स सी भाई, गया चलान कट गया, 60 की स्पीड है, ऊपर कैमरे लगे हुए भाई और हम रीजन कर रहे हैं भाई अपनी गाड़ी में। भगवान प्लीज भाई, हिमाचल पुलिस हमारी गलती नहीं है भाई प्लीज, और हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हम क्या करें भाई। भाई हम तो एक तो वैसे इतने परेशान हैं भाई ट्रैफिक में, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से आ रही महिंद्रा नहीं मान रही आ रही है, बार बार स्कॉर्पियो में वो रीजन वाला साइन भाई दोबारा से आ गया, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो वार्निंग साइन था भाई रीजनरेशन रिक्वायर्ड, वो दोबारा से आ गया, और रोड ही नहीं है भाई, रीजन कैसे करेंगे बताओ यार। सो भाई रीजनरेशन रिक्वायर्ड का प्रोसेस अब तक चल रहा है भाई, और कुछ खाली रोड ही आई हैं, तो बट डिफ़िकल्ट हो जा रहा है यार, बार बार टर्न्स आ रहे हैं, कभी सामने से ट्रैफिक आ जा रहा है, बट अभी खाली रोड है भाई। मनीष मेंटेन करने की कोशिश कर रहा भाई, एक सेम स्पीड 70 कर ले या 60 कर ले, और गियर हमारा भाई 30 है, RPM जो है 3000 के आसपास है, होपफुली हो जाए भाई, कैमरे में तो आप लोगों के सामने चलते चलते ही हो जाए, कितना सही होगा यार भाई, अगर होगा तो इसी रोड पे होगा वरना नहीं होगा, है चलता रहते इसी स्पीड पे, हाँ चलने तो RPM मत छोड़ना, रेस मत छोड़ना। भाई हम खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि ऐसे लाइव चलती हुई गाड़ी में कि हमारा रीजन जो प्रोसेस ये मांग रही है गाड़ी, वो हो सकता है नहीं हो सकता है भाई, अगर हो जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा, और लास्ट टाइम हमने किया था तो हो गया था, बट इस बार दोबारा देख रहे हैं भाई, बट हम स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं भाई, वो एक प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, और जो है ना फ्यूल में से जो एग्जॉस्ट में से ना गाड़ी के अंदर तक स्मेल आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, पूरा हीटअप हो चुका, पूरा गर्म हो चुका होगा एग्जॉस्ट इस टाइम, पूरी गंदी गैस ये सब वो सब भाई, क्या ही चीज़ बनाई है यार BS6 का भी यार, नॉर्म्स क्या अजीब ही है भाई। कैमरे लगे थे भाई, भाई गया चलान कट गया, 60 की स्पीड है, ऊपर कैमरे लगे हुए भाई और हम रीजन कर रहे हैं भाई अपनी गाड़ी में। भगवान प्लीज भाई, हिमाचल पुलिस हमारी गलती नहीं है भाई प्लीज, चलान मत भेजना अगर ऐसा कट जाता है तो, हमारी 70 की स्पीड थी भाई, 60 अलाउड है, और हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हम क्या करें भाई, हम रीजन गाड़ी हमारी मांग रही है, हम कैसे करें बताओ, रीजन के चक्कर में भाई चलान ना आ जाए घर पे, ऐसा लग रहा है। अरे
अरे दीदी हट जाओ प्लीज, हम रीजनरेशन मांग रहे हमारी गाड़ी हम कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर इनटू इट अ डीप प्रॉब्लम गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ओ ब्लैक हॉर्स हट जाओ तुम्हारा। हेलो रीजनरेशन रिक्वायर्ड, एक भैंस और एक गधे घोड़े करने ही नहीं दे रहे यार। वो दूसरा वाला मेथड ट्राई करते हैं, 5 मिनट और कर ले, लास्ट ट्राई है। 8:46 हो गए, 8:50 तक कर लेते हैं, 8:50 तक करते हैं भाई, 4 मिनट और है, हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ ना तो फिर दूसरा मेथड में ट्राई करेंगे। चला गया भाई रीजनरेशन रिक्वायर्ड, जो ऊपर लिखा रहा था वो भी गायब और नीचे से वो भी चला गया। हाउ यू फीलिंग गाइस? डरा दिया, मुझे डरा, मैं क्या हो गया भाई, एकदम से मेरी नजर वहां पे गई तो मैंने देखा चला गया था। हालांकि मैंने जब वो गया ना, जस्ट 30 सेकंड पहले मैंने अपना कैमरा ऑफ किया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई, इतनी देर से लाइव पकड़े पकड़े, 13 मिनट हो गई मेरे को कैमरा ना, 13 मिनट से मैं लाइव पकड़े हुए था कैमरा। अब आपको पता चल गया ना, अगर आपकी गाड़ी में BS6 में रीजनरेशन की प्रॉब्लम आती है और आपको भाई ट्राई करना है तो दिस इज द ओनली वे, आप तीसरे गियर में चलो, हायर RPM रखो, 3000-3500 RPM रखो और तीसरा गियर में रखो, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करो, आइदर 60-70-80 डिपेंड्स ऑन द रूट्स, आप किस तरह की रूट्स पे चल रहे हैं, वो स्पीड मेंटेन करो। गाड़ी भाई वो चलती है भाई 10-12 किलोमीटर हो सकता है चले, या 10-15 मिनट चलानी पड़ेगी, तभी भाई वो रीजन जो आपके जो भी एग्जॉस्ट में वो फ्यू वो जो भी गैसेस, जिस तरह की गैसेस होती हैं भाई वो जम जाती हैं, तो उसको रीजनरेशन के लिए वो सब प्रोसेस करना पड़ता है भाई। तो अदरवाइज अभी इस प्रोसेस के दौरान ना आपका जो एग्जॉस्ट है इतना गर्म हो जाता है ना भाई पूरा, और अगर वहाँ पे कोई आसपास कुछ चीज़ होगी ना उसको जला भी सकता है। तो ये बोलते हैं भाई ऐसे कि जब आप रीजनरेशन करें तो देख लें एग्जॉस्ट पाइप के आसपास कुछ आपका ऐसा सामान ना हो जो गर्म हो के और वो उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई फाइनली डन, तो हमने आपको दिखा दिया भाई कैसे जो है रीजनरेशन करना है गाड़ी में, अगर आपकी BS6 गाड़ी आपके पास है, डीजल गाड़ी है और इस तरह की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आती है तो भाई, तो कर दिया भाई हमने रीजनरेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए भाई अब अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं।